हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं मार्केट सिंप्लीफाइड में। आइए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर आपको अच्छी खासी मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, उसकी भी बात करेंगे। एंड सबसे पहले हो फ्रेंड, आशा रखते हैं कि आप एंड आपकी फैमिली सुरक्षित है इन पैंडेमिक सिचुएशन में। एंड आज वीकेंड है एंड होप कि आप इस टाइम का मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हो, घर पर रह के कुछ नया सीखने को लेके, चाहे वो मार्केट से मार्केट को लेके ही क्यों ना हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस क्यों ना हो, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ना हो, मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए ऐसे टाइम का जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को सीखने में अच्छा खासा टाइम दे पाओ एंड अच्छी ग्रिप बिठा पाओ एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले दिनों में कर पाओ। सो फ्रेंड्स, वीकेंड में ही एक ऐसा टाइम मिलता है जहाँ पे हम जो भी स्टॉक है आने वाले दिनों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हो या ट्रेडिंग के लिए हो, उसको छाट सकते हैं एंड जो स्ट्रेटेजीज है स्ट्रेटेजीज पे वर्कआउट कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर मुझे आने वाले दिनों में फोकस करना है एंड उसके ऊपर मुझे बैकटेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। अच्छा क्लोजिंग दिया हमें निफ्टी ने 14,823 के लेवल पे विद द गेन ऑफ 98 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी 32,904 के लेवल पर क्लोजिंग विद द गेन ऑफ 76 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है 14,750 14,800। सो अगर उसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी पर्टिकुलर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। वी कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हमें क्वेरी आई थी कि सर, आप जो बैंक निफ्टी निफ्टी के जो चार्ट के बारे में बात करते हो एंड जो लेवल के बारे में बात करते हो, लेवल्स कौन से टाइम फ्रेम को लेके आप डिराइव करते हो, तो मैं आप बता देना चाहता हूँ ये जो चार्ट मैंने लगाया है वो आर्ली चार्ट है एंड यहाँ पे हमने जो लेवल दिए पोजिशनल बेसिस के लिए है, यानी कि आने वाले 2 से 3 दिन के लिए है। सो ये लेवल के बेस पे जाके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस हमने पहले भी आपको बताया है। हम जब भी आपको लेवल बताते हैं, लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है वो सिग्निफिकेंस भी फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। सो हम पिछले कई दिनों से पर्टिकुलर चार्ट के बारे में ही डिस्कशन करते आ रहे हैं। आप देख सकते हो ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज फॉर्मेशन में फिलहाल बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, लोअर बैंड के अराउंड ही ट्रेड कर रही है। 33,000 के अराउंड का निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का क्लोजिंग है, तो कोई भी गिरावट आती है फ्रेंड्स 32,900 का, तो एक बार बाय करके ही रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि नीचे में 32,600 काफी अच्छा सपोर्ट है। तो लॉन्ग पोजिशन यहाँ से आप इनिशिएट करके चल सकते हो। ऊपर के लेवल की फ्रेंड्स बात करें ना, तो 33,600 का एक लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद 34,000 का लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी फेवरेबल है, कोई भी गिरावट आता है 100-150 पॉइंट का तो बाय करके चलिए विद द एसएल ऑफ 32,600। ऊपर में आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो है 33,600 34,000। तो ये पोजिशनल लेवल है 2 से 3 दिन के लिए एंड यहाँ पे जो चार्ट लगाया है वो है आरली चार्ट। अब आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल्स की। तो 33,285 का लेवल है, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी एज पर आर क्राइटेरिया जाती है तो 33,470 से लेकर 33,655 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो एसएल आएगा वो है 33,090 का। अगर लोअर ब्रेकडाउन लेवल की बात करता हूँ तो 32,725 का लोअर ब्रेकडाउन लेवल है। ये लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ऐसे जाती है, आपको 32,540 32,350 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो रेजिस्टेंस आएगा वो है 32,915। तो फ्रेंड्स प्लीज फॉलो दिस लेवल फॉर स्पेसिफिक ट्रेडिंग बैंक निफ्टी। अब आइए बात करते हैं फ्रेंड्स निफ्टी की। तो निफ्टी भी मैंने अर्ली चार्ट पे यहाँ पे लगाया है एंड आप देख सकते हो कि रिसेंटली लोअर बैंड का सपोर्ट लेके ही निफ्टी में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है एंड आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि 100 MA का भी सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी ने लिया हुआ है। हमने पहले आपको बताया था 14,750 14,800 के ऊपर अगर कपल ऑफ डेज अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यस, यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम एज पर द फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है एंड हमने आपको पहले ही बताया है कि क्या फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनी है, तो डेली चार्ट में फ्लैग फॉर्मेशन बना है, उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, उसके बेस पे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या रणनीति रखनी चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई भी गिरावट आती है ओके
14,800 टू 14,750, यस, यानी कि यहाँ से अगर 100 पॉइंट की गिरावट आती है तो आपको बाय ऑन डिप करके चलना है विद द एसएल ऑफ 14,600। ऊपर के लेवल की बात करें तो इमीडिएट लेवल जो आपको देखने को मिल सकता है वो 14,960, एंड उसके ऊपर फ्रेंड्स आपको एक काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी, जिसके बेस पे आपको जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो 15,250 का है। सो फ्रेंड्स, कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 700, 750, 700 बाय करके चलिए विद द एसएल ऑफ 14,600। पहला टारगेट 14,960, एंड उसके ऊपर आपको 15,250 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है पोजिशनल व्यू, पोजिशनल कॉल ऑन निफ्टी। आइए बात करते हैं निफ्टी इंट्राडे लेवल्स। तो इंट्राडे लेवल्स कुछ इस तरह से है, 14,914 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक होती ही एज पर आर क्राइटेरिया आपको ऊपर में 14,965, 15,015 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। जो ऐसे आएगा वो है 14,862 का। लोअर ब्रेकडाउन लेवल कम्स एट 14,806, ये लेवल ब्रेक हो रही, नीचे में आपको 14,755, 14,705 तक की डाउन साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, एंड जो एसएल आएगा वो है 14,858 का। तो फ्रेंड्स, प्लीज फॉलो दिस लेवल्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेड फॉर इंट्राडे पर्पस। अब आइए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक टू वॉच में डाबर है एंड आरटी इंडस्ट्रीज है, जिसमें हमें एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकती है, एंड उस वॉलेटाइल मूव में हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेना है स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करके। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लेवल्स दिए हैं, आप उसके हिसाब से बाय एंड सेल कर सकते हो, एंड उसके हिसाब से आप अपनी जो पोजिशन है वो बना सकते हो, इंट्राडे गेन आप अर्न कर सकते हो। उससे पहले, अब पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आइए कुछ क्वेरीज की बात करते हैं। हमने ऑलरेडी एक क्वेरीज जो हमें मिली थी विवेक जी से कि निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट का टाइम फ्रेम बताइए। टाइम फ्रेम आर्ली टाइम फ्रेम पे हमने वो चार्ट फॉर्मेशन बनाई है, जो लेवल देते हैं वो 2 से 3 दिन के लिए देते हैं। सुशील जी ने हमें कमेंट किया है कि सिंगल कैंडल फॉर्मेशन रियली वर्क्स ऑन दैट बेसिक आई मेक रेगुलर प्रॉफिट। तो सुशील जी, थैंक्स अ लॉट कि आप सिंगल कैंडल फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हो, एंड जिस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ना आपने अच्छी खासी ग्रिप हासिल कर ली है सिंगल कैंडल फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, मैं आपको भी कहता हूँ कि यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है कि सिंगल कैंडल फॉर्मेशन है या पर्टिकुलर कोई भी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कीजिए, उसको उतना स्टडी कीजिए, उतना स्टडी कीजिए कि आप देखते ही आप उसको आप समझ जाओ कि नहीं, अभी यहाँ से हमें बाय सिग्नल मिलेगा या सेल सिग्नल मिलेगा। फ्रेंड्स, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टडी को फोकस कर रहे हो तो प्लीज़ उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके ऊपर फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि नहीं आपकी जो स्टडीज है वो कितनी वर्कआउट कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने आपकी स्टडीज पे फोकस किया एंड उसके ऊपर जाके अगर आपने प्रॉफिट कमाया विथ प्रॉपर प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन, यस, प्रिंसिपल भी होना चाहिए एंड डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तो आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मार्केट में से कमा के निकल सकते हो। उसके बाद क्वेरीज है ध्रुव जी की, आरओसी कितना होना चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, उसका एक सेशन में बताना प्रॉपरली इंट्राडे पोजिशनल के लिए। तो पहले बता दूं कि ये इंट्राडे के लिए है आरओसी, लेकिन अगर इंट्राडे में अगर आरओसी के बेस पे अगर अच्छी मोमेंटम आप कैच कर पाते हो तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। नो डाउट आरओसी के ऊपर हम अलग से एक सेशन भी बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारा इंडिकेटर का लर्न विद जीपी मेक ट्रेडिंग इजी का जो थर्ड पार्ट है इंडिकेटर का, वो अभी भी हमारा पेंडिंग है ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन। कहीं ना कहीं वो हमारा जो पार्ट है फिलहाल अभी होल्ड पे है, लेकिन हम जल्दी से वो लेके आने वाले हैं, जहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे इंडिकेटर्स को लेके, उसमें हम वहाँ पे आरओसी को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि उसके बेस पे अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसकी उसके बेस पे आप अच्छी खासी ग्रिप इंडेक्स फ्यूचर वाइज ले सको। सो फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट मैंने लगाया है, आप देख सकते हो फॉलिंग वेज फॉर्मेशन के अपर बैंड के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस किया है, क्लोजिंग ऊपर का है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 89 MA की भी बात करूँगा, 89 MA का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि डबल रेजिस्टेंस आ रहा है। फ्रेंड्स, हमने डबल रेजिस्टेंस डबल सपोर्ट के बारे में हम बहुत ही फोकस करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम एम्फसाइज करते हैं। अगर स्टॉक कोई सपोर्ट टूट रहा है वहाँ पे, अगर हमें डबल कंफर्मेशन मिला है तो ही हमें वहाँ पे शॉर्ट करने की पोजीशन बनानी चाहिए। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस टूट रहा है लेकिन वहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिल रहा है,
तो ही हमें वहां पे बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। कुछ ऐसा ही सेटअप फिलहाल टाटा मोटर्स में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको स्टॉक बताने की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टॉक स्टॉक को ट्रैक करने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ने अपर बैंड जो है अपर बैंड के नियर ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन ऊपर में 89 MA का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल स्टॉक में दिखने को मिल रहा है। 89 MA मैंने क्यों लिया, वो शायद आपके माइंड में क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक स्टॉक का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। उस अलग अलग बिहेवियर के हिसाब से कौन सी मूविंग एवरेज कौन से स्टॉक के ऊपर प्रॉपरली फिट बैठ रही है या नहीं, वो हमें देखना है। यहाँ पे मुझे 89 MA का जो जिस हिसाब से स्टॉक रिलीज जैसे उसको फॉलो कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर 89 MA के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन हुआ तो आने वाले दिनों में हमें ऊपर में 350 360 तक की अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स 89 MA के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा वहां पे डबल ब्रेकआउट हमें मिलेगा, उसके बेस पे अच्छी खासी मोमेंटम आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, हमने इन्फी की बात की थी, अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिले इन्फी में, नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग भी आया, लेकिन प्लीज इन्फी के ऊपर वॉच रखिए। हमने हीरो मोटोकॉर्प की भी बात की थी, रिलायंस की बात की थी, BPCL आप देख सकते हो काफी अच्छी मोमेंटम में BPCL है। हमने अल्ट्राटेक सीमेंट की भी बात की, उसमें भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। सन टीवी की भी बात की थी, सन टीवी में भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। HDFC लाइफ की भी बात की थी, प्लीज उसके ऊपर फोकस बनाए रखिए, आने वाले दिनों में उसमें अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे रहिए एंड सलामत रहिए, आपका ध्यान रखिए एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।